Hey guys, am I audible, visible? Hi, Bajapadi. Very, very good evening to all of you and welcome to the session. I hope everybody is doing great. सारे बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो. तो बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ योर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है. ठीक है, दो तीन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं तो बहुत ही जल्दी ये वाला चैप्टर हमारा कवर होने वाला है. राइट, सो हाय हाय श्लोक, हेलो अस्पिया, हाय दीक्षिता, हेलो अभिनव, वेलकम टू द क्लास, हाय यश, हाय श्वेता. सो आई होप सारे बच्चे बहुत ही बड़े हो, आपको पिछला जो चैप्टर है वो समझ में आ गया अच्छे से. यस, सो दोज हु आर न्यू टू दिस क्लास, दिस इज योर एजुकेटर अर्शदीप और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यू कैन गो थ्रू इट. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ, जो भी आपके फ्री टेस्ट होते रहते हैं, तो आपको उन सबका नोटिफिकेशन आ जाता है इफ़ यू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. राइट, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो है ये इन्वाइट कोड. अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी फ्री कंटेंट देखना है तो यू कैन यूज़ दिस इनवाइट कोड और आप उस फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो स्कॉलरशिप टेस्ट हो, चाहे वो आपका फ्री क्लास हो, चाहे आपका कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपने देना हो, कोई क्विज देना हो. ठीक है, तो आप सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस कोड ARSH. राइट, और अगर इफ़ यू विश टू गेट द सब्सक्रिप्शन, तब ये वाला कोड आपको दिलवाएगा 10% डिस्काउंट. ठीक है, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, तो ये लिंक है बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का और ये इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है. ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी हम आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस की. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हमारे जो होमवर्क स्टार्स हैं, जिन्होंने पिछले क्वेश्चंस के होमवर्क आंसर का क्वेश्चन एकदम सही सही आंसर दिया था होमवर्क क्वेश्चन का, तो वो बच्चे कौन है? सो आकृति चांद्रा ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया, देन वी हैव नायाब खान, देन शौर्य कुमार, शिवम द्विवेदी, मुकेश कुमार, हर्षिता कुंवर, देन वी हैव कानी, दिशा, निशा एंड भूमि गुप्ता. कंग्रेचुलेशंस बच्चों, और आज भी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी एंड इफ़ यू विश टू कम ऑन द लिस्ट ऑफ दिस होमवर्क स्टार्स, तो आप उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर. यस, हाय मुकेश, हेलो भारत, हाय जेठालाल, हाय कार्तिक, हाय हर्ष. चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन. यस बच्चों, एक्साइटेड हो? ऑल राइट, तो चलो जी सेशन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक छोटू सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपके आपका इस संडे को ना फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, एकदम फ्री एनरोलमेंट है. ठीक है, आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है अर्श और आप फ्री में एनरोल कर लोगे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करो बेटा, क्या पता स्कॉलरशिप मिल ही जाए और आप मिनिमल से अमाउंट में आके रेगुलरली हमारे साथ पढ़ सकते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर. ठीक है, तो टेस्ट तो दे ही दिया करो, अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलती है, अपना भी हिसाब किताब पता लग जाता है कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं. ठीक है, चलिए तो इसको जरूर दे देना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं. आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? हमने क्लास 9th में ही वैसे पढ़ लिया था, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, किसको पता है? हाय उर्मिला, हेलो प्रियांशी, हाय अरमान, हाय लवी, वेरी गुड सारा, वेरी गुड. बिल्कुल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? 2 होती है ना. शाबाश असफिया, अनूप, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कार्तिकेय, जेठालाल, वेरी गुड. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होते हैं, पॉलीनोमियल्स एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे, है ना, जिनकी डिग्री होल नंबर होती है. पर अगर मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होते थे? ऐसे पॉलीनोमियल जिनकी डिग्री डिग्री बोले तो जिनकी डिग्री बोले तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मतलब हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, यही तो होता है डिग्री, है ना. तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जिनकी 2 होती है, उन पॉलीनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बोलते हैं. अब पॉलीनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है बेटा? अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 कर दूं, तो वो पॉलिनॉमियल से बदल के किस में चेंज हो जाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. समझ में आई बात? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन हो गया जिसमें हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा?
टू होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री क्या होगा, ऑब्वियसली टू होगा, बस एक फर्क कितना रह जाएगा, फर्क रह जाएगा सिर्फ इक्वल टू का. इक्वल टू का साइन लग गया तो इक्वेशन बन गया, इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो एक्सप्रेशन रह जाएगा, बोले तो पॉलिनोमियल रह जाएगा. ठीक है, इतनी सी छोटू सी बात समझ में आ गई सबको, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलो अब आगे बढ़े. ठीक है मैम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया, मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया. अगर मैं पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिग्री क्या होती है बेटा, टू होती है. डिग्री टू का मतलब क्या होता है, याद है कुछ कुछ किया था, डिग्री टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, टू सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना. हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, मैक्सिमम कितनी जीरोस होंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हम बोलते थे मैम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम टू जीरोस हो सकती है ना. तो ऐसे ही बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम जीरोस टर्म नहीं यूज़ करते हैं. हम जीरोस टर्म ना यूज़ करके जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, हम टर्म यूज़ करते हैं रूट्स. ठीक है, जीरोस और रूट्स का मतलब एक ही है. मतलब क्या है, दोनों को क्या बोला जाता है, दोनों को सल्यूशन ही बोला जाता है. जैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होते थे पॉलिनोमियल के, ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते थे, जीरो के इक्वल पुट कर, जीरो के इक्वल कर देते थे, है ना, वो सल्यूशन कहलाए जाते थे. ऐसे ही जो रूट्स होता है बच्चे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जीरोस टर्म ना यूज करके हम रूट्स यूज करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैम जीरोस क्यों नहीं बोलते हैं, रूट्स क्यों बोलते हैं, रूट्स किस केस में बोलते हैं, जीरोस किस केस में बोलते हैं. बस इतना ध्यान में रखो, दोनों का मतलब सॉल्यूशन होता है. क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है. ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया. चलो तो आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहला सवाल जो एनसीईआरटी में तुमसे पूछा जाएगा, वो बोला पूछा जाएगा कि भाई पहचानो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो बच्चों पहचान सकते हो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. चलो चलो पहचानते हैं फटाफट से. देखते हैं कितने बच्चे पहचान पा रहे हैं. बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को बिना ओपन किए, बिना सॉल्व किए आपने मुझे आंसर नहीं देना है. फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स, सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं. वेरी गुड रिंकू, नीलम, अनूप, शलोक, श्रुति, सान्या, प्रियंका, वेरी गुड बच्चों. तो लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. इधर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये बन जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स. तो ये क्या बन गया, टू एक्स और टू एक्स तो गायब हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स. उधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस सिक्स बन जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, this is a quadratic equation. How do I know, ma'am? क्योंकि वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, टू है. तो वेरिएबल की जब हाईएस्ट पावर टू होती है, मतलब डिग्री टू होती है इक्वेशन की, तो वो कहलाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इसका आंसर आएगा yes. तो तुम सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया. तो इससे तुम्हारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया. ऐसे से ही कुछ कुछ तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उनमें तुमसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ईजी है ना, ईजी है ना, पहचानने वाला काम तो तुम आराम से कर लोगे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब जैसे कि तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बताया जाता है, वैसे ही अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं. ये वाले टर्म से भी तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो, ठीक है? जो जो चीज़ें मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये सभी टर्म्स तुमने ऑलरेडी सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, कर रखा है इनको, ठीक है? तो अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा. देखो अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे इक्वेशन लिख दूं, x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, तो तुम बोलोगे मैम नो, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता यार. x को डिक्रीजिंग पावर की तरह लिखना होता है, मतलब x का सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद बारी आएगी एक्स वाली टर्म की, उसके बाद बारी आएगी कांस्टेंट टर्म की. तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज लिखते हैं, मतलब सबसे बड़ी एक्स की पावर सबसे पहले, उसके छोटी 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 ऐसे बाद में, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ बच्चे, ये बोर्ड्स में जो जो आपके बोर्ड्स में आ रहा है वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, उसकी टेंशन मत लो. जो भी मैं आपको क्लासेस में पढ़ा रही हूँ वो सब बोर्ड्स में आएगा, ठीक है?
समझ आया? आगे चले. हाँ, जनरल फॉर्म कई बार बोल देते हैं. जनरल फॉर्म बोल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो, एक ही बात है. जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है ना. तो यहाँ पे ए क्या है? कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी क्या है? कोफिशेंट ऑफ एक्स. एंड सी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट टर्म. सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है, क्योंकि इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अगर मैं इसको बोलूं तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे अपन, है ना. समझ आ गया बेटा जी? चलो आगे चले. चलो सो आगे बढ़ते हैं. तो ये वही चीज बता रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स हो सकते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. भाई ऐसे क्यों लिखा कि ए जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. तो इस वजह से बोला जाता है कि जो ए है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है ना, समझ आ गया. आगे चलें. तो ये दो एग्जांपल्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप समझ गए. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी होती है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया करो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चीज देखते हैं. देखो अब बात आती है कि मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ाया जाता है, कहाँ पे यूज होता है. तो बेटा जहाँ पे भी तुम्हें यू शेप बनती नजर आती है ना, तो वहाँ पे ऐसी शेप्स को बनाने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे को समझना पड़ता है. ठीक है ना. तो देखो अगर आपको ब्रिज बनाना है, अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिसमें यू शेप इन्वॉल्व हो रही है, जैसे अब यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हैं तो जब बास्केट में बॉल थ्रो करते हैं, ठीक है, तब भी एक यू शेप्ड जो है अपना ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है हमारी जो बास्केटबॉल है. ठीक है, तो जहाँ पे भी यू बन गया वहाँ पे समझ लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा यूज हो गया. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना पड़ेगा. ठीक है, समझ आया? ठीक है जी, चलो आगे चलें. अब इतना भी सीख गए हो तुम. अब ये भी मैंने तुम्हें बताया, एक टर्म यूज़ करोगे तुम इस चैप्टर में, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स बोले तो सल्यूशन, सल्यूशन बोले तो ऐसी वैल्यूज जिनको मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, यही मतलब होता है ना. तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, सल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब उसमें वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है. क्लियर है बच्चा, ये चीज समझ में आ गई सबको? तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स टर्म यूज करना है, कोई भी बच्चा जीरोस वर्ड नहीं यूज करेगा. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है. चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे. क्या कहता है? कहता है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्या बोलता है? कहता अगर हमारे पास उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, वो बोल रहा है कहता अगर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, वो टू है. कहता इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे रखा है. रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? सल्यूशन दे रखा है, मतलब अगर मैं एक्स की जगह पे टू पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा. तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टू इन प्लेस ऑफ एक्स. हम एक्स की जगह पे टू पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर बन रहा है. ये बन रहा है फोर के हो गया प्लस फोर माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, तो ये बन गया फोर के माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो ये बन गया फोर के इक्वल्स टू फाइव. तो k का वैल्यू कितना निकल के आया, फाइव अपॉन फोर. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है. ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, वेरी सिंपल है ना. चलो तो दो टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक हम कवर कर चुके हैं. एक आपको पहचानने के लिए बोल सकता है वो कि बताओ कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ ली, वो आपको बोलेगा, आपको कोई भी एक रूट दे दिया जाएगा इक्वेशन का और बोला जाएगा कि के की वैल्यू निकालो, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा. ठीक है, तो सेकेंड तरह का क्वेश्चन ये बन गया हमारा. आगे चले. अब
अब ऐसे क्वेश्चंस क्या है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स फॉर्म करना सिखाऊंगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये चीज़ें, ठीक है? हमें इस चैप्टर में से स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ बच्चे बोलते हैं, ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अब समझाने वाली हूँ। एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई, इक्वेशन बनानी आ गई, उसके बाद सॉल्व तो सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है? सॉल्व करने की बात आएगी वो सभी कर लेंगे, बस यहाँ जहाँ पे इक्वेशन बनाने की बात आएगी वहाँ पे बच्चे अटक सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? स्टार्ट करें फिर, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो स्टेटमेंट को पढ़ो ज़रा। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट कहता, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है? क्या बोलते हैं? कहता रोहन की मॉम जो है वो 26 इयर्स बड़े हैं उनसे, रोहन से बड़ी है, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कहता अगर मैं उनकी 3 साल बाद की एजेस का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा? 360 बनेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, मुझे रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए क्या बनेगी। चलो, तो क्योंकि मुझे रोहन की एज निकालनी है, किसकी एज निकालनी है? रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो इसको हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, हम मान लेते हैं बच्चों कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी, मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, मान लो कि एक्स ईयर्स है। तो फिर अगर रोहन की एज एक्स ईयर्स है, अगर रोहन की मैंने एज एक्स ईयर्स मान ली, तो अच्छा मदर की एज कितनी होगी? तो मदर्स एज विल बी, मदर्स की एज कितनी हो जाएगी बच्चा? यहाँ पे रोहन की मदर जो है 26 इयर्स ओल्डर है, 26 इयर्स बड़ी हैं उनसे, ठीक है? तो अगर रोहन x साल का है तो उसकी मदर x प्लस 26 इयर्स की हो जाएंगी, है ना? इतना समझ में आया? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद ये बोल रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब कौन सा तुम्हें ये बता रहा है, कौन सा सिचुएशन दे रहा है? आज से 3 साल बाद की बात कर रहे, तो मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो मुझे ये बताओ आज से 3 साल बाद क्या होगा बच्चों? मुझे ये बताओ जल्दी से, आज से 3 साल बाद क्या होगा? जो रोहन की एज होगी, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। और आज से 3 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी? ये याद है मैंने तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी ऐसे क्वेश्चन करने सिखाए थे कि हमेशा पहले प्रेजेंट एज को लिखते हैं, उसके बाद हम टाइम ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे इसने टाइम ट्रैवल तुम्हें क्या करवाया है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है? तो फिर मदर की एज हो जाएगी, मदर की एज प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 थी, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 26 में 3 ऐड हो जाएगा, तो मदर की एज बन जाएगी एक्स प्लस 29। अब आपसे आगे इक्वेशन क्या बोली है, आगे वो क्या मांगता है? कहता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, दोनों का प्रोडक्ट 360 करना है। तो मतलब रोहन की अब एज कितनी है? x प्लस 3। उसकी मदर की एज कितनी है? x प्लस 29। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? 360। समझ में आया कैसे इक्वेशन बनेगी? अच्छा तो इसको सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये बन गया 3 × 29 इक्वल्स टू 360। ये दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ये लिखा मैंने 360, ठीक है? तो ये क्या बन गया, फाइनल इक्वेशन क्या बन गया आपके पास? ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये क्या बन गया तुम्हारे पास? माइनस ये बन गया 273, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बेटा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है जी? समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल आपको बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए कि क्या बनेगी। अब सॉल्व कैसे करते हैं? देखो सॉल्व करने का ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठो तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखाऊंगी, उससे भी तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला टारगेट क्या है? इक्वेशंस बनानी सीखते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है? ईजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन दिखाऊं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, चलो आ जाओ। इसको बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। अब ऐसी प्रॉब्लम्स आई थिंक आपने शायद से, मुझे लगता है, 7th 8th क्लास में देखी होंगी, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम्स हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। और पता है क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। तो अगर तुमने आज अच्छे से सीख ली ना ये प्रॉब्लम, तो आगे जब तुम प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन टाइम पे तुम कंपटीशन के पेपर दोगे ना बच्चे, तो उनमें यही प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अगर एक बार सीख लिया तो आगे के लिए भी सॉर्ट हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसको सीखते हैं। क्या कहता कहता, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इतने से हमें क्या समझ में आया, इतने से हमें ये समझ में आया कि भाई एक ट्रेन है, उसने ए से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ। कहता एक ट्रेन है, उसने मान लेते हैं कि ए टू बी पॉइंट जाना है, ठीक है। तो ए टू बी पॉइंट कितने किलोमीटर जा रहा है वो ट्रेन, 480 किलोमीटर्स उस ट्रेन को क्या करना है, ट्रैवल करना है, ठीक है। कितना ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर्स, तो मैंने डायग्राम में बना दिया। अब क्या बोलता है, कहता विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मुझे नहीं पता किस स्पीड से ट्रेन जा रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, मान लेता हूँ कि ट्रेन की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मुझे नहीं पता स्पीड की, ट्रेन क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो मैंने स्पीड की ट्रेन बोल रही हूँ, ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो मैंने उसको मान लिया कि एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बोलता है, कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब तुम खुद सोचो, अब कहता अगर ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं, मतलब अब मैंने ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी है, तो जब मैं ट्रेन की स्पीड स्लो करूंगा तो ट्रेन को कम टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कि ज्यादा टाइम लगेगा, सोच के देखो जरा, सोच के देखो। अब क्या कर रहे हैं हम, ट्रेन एक्स स्पीड से जा रही थी, ठीक है। अब उसकी स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, स्पीड कम कर दी। अब मुझे बताओ उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम उसको अब ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड स्लो हो चुकी है, टाइम ज्यादा लेगी, है ना। तो इतना मैं समझ गया कि अब जो नई वाली स्पीड है, यहाँ पे मैं लिख दूँ न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या है हमारी, न्यू स्पीड में हमने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आर उसकी नई स्पीड जो है वो कम कर दी, तो इसको मैंने न्यू स्पीड लिख दिया, ठीक है। अगर पहले उसको बेटा टी टाइम लग रहा था, अगर पहले ट्रेन को बेटा टी टाइम लग रहा था, अब ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है इस केस में, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। कहता जब मैं स्पीड 8 किलोमीटर पर आर कम कर दूंगा, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहता 3 घंटे ज्यादा ले रही है अब हमारी ट्रेन, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा इस केस में, टाइम अब इसको लग जाएगा टी प्लस थ्री। टाइम कितना लग गया बच्चों इसको, टी प्लस थ्री टाइम लग गया, मतलब पहले टी टाइम लग रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये आएगा कि मैम अब इक्वेशन कैसे बनाए, अब सवाल ये आएगा कि मैम इक्वेशन कैसे बनाई जाए। ध्यान से समझना, ऐसी प्रॉब्लम्स में इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है, टाइम के तरीके से बनाई जाती है। मुझे जरा बताओगे, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रेन के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम कितना है दोनों ट्रेन के बीच में। टाइम के फॉर्म में हमेशा जो है तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, डिफरेंस इन टाइम कितना है, मतलब डिफरेंस इन टाइम आ गया तुम्हारा 3 घंटे, 3 आवर्स, है ना। पहले उसको टी टाइम लग रहा था, स्पीड कम करने पे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मतलब डिफरेंस कितना है दोनों का, 3 घंटे का डिफरेंस पड़ रहा है ना। पहले पहुंच रही थी डेस्टिनेशन पे आराम से टी टाइम में, अब टी प्लस थ्री टाइम में पहुंच रही है, तो 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। टाइम किसके बराबर होता है बच्चों, फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा, टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना टाइम। चलो तो बस हमने डिफरेंस इन टाइम में इक्वेशन बना देनी है। अब मुझे ये बताओ टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, जो न्यू स्पीड है उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मतलब टाइम टेकन बाय, तो टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी उस ट्रेन की, 8x-8 थी, तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा था माइनस पहले, अरे डिस्टेंस गलत लिख रही हूँ, डिस्टेंस 480 है,
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, पहले जब एक्स स्पीड थी तब टाइम उसको कम लग रहा था, ठीक है, तो एक्स दिस माइनस दिस, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। समझ आ गया सबको इक्वेशन कैसे बनी, इक्वेशन कैसे बनी, समझ आया। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो सीधी सी बात है, ज़्यादा टाइम में से कम, ज़्यादा में से बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो ज़्यादा टाइम किसको लग रहा था, जब ट्रेन की स्पीड कम की, x माइनस 8 स्पीड से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, जब x स्पीड से जा रहे थे तो t टाइम लग रहा था, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो ये अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, इसको मान लो t1, इसको मान लो t2, ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने t1, ये तुम्हारा t1 है और ये तुम्हारा t2 है, ठीक है। तो कौन, t1 ज्यादा कि t2 ज्यादा, अब t1 टाइम ज्यादा है कि t2 टाइम ज्यादा है, मुझे बताओ, t1 टाइम ज्यादा है कि t2 टाइम ज्यादा है, सोच के बताओ। अब सीधी सी बात है मैम, क्योंकि t1 टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि स्पीड कम है, तो t1 ज्यादा है, तो t1 में से t2 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का डिफरेंस है। समझे कि नहीं समझे बेटा, ये प्रॉब्लम ना सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्लीज, ठीक है, इसको ध्यान से सीख लो, इसको ध्यान से सीख लो। समझ आया सभी बच्चों को, बिल्कुल सही बोल रहे हो, t1 टाइम ज्यादा है, तो इसीलिए t1 में से t2 को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, स्पीड में फर्क है बस, बस इसको सॉल्व करो और यहां से आंसर बन जाएगा तुम्हारा। तो यहां पे आंसर बन गया, यहां पे मैं लिख भी देती हूँ, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 3, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये 480 को मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर बन गया x माइनस x प्लस 8 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया LCM ले लिया बेटा, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, तो ये बन गया 3, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 160 बन गया, x और x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, 8 6 ये बन गया 48, 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यही सेम स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है ना, यही सेम स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में भी देखने को मिलेगी, बट क्योंकि उस चैप्टर में से आपको हटा दिया गया है वो टॉपिक, तो इसलिए वो उस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा, पर इस चैप्टर में ये वाली प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। समझ आया सबको ना, जिसको अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा, वो पीछे करके थोड़ा सा रिवाइंड करके इस प्रॉब्लम को दोबारा से सीख लेना, ठीक है। हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ पे डिस्टेंस दे रखा होता है, स्पीड में फ़र्क दे रखा होता है और टाइम बोल रहा होता है ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो इस केस में हमेशा हम टाइम की फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं। मैम न्यूमिरेटर कैसे आया, समझ नहीं आया, न्यूमिरेटर कैसे आया बेटा, ये LCM ले लिया, पहले तो मैंने 480 को कॉमन ले लिया, अंदर LCM ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इधर चला जाएगा, x माइनस 8 इधर चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तो आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं एक बार दोबारा फिर से ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगी, आगे एक और क्वेश्चन मैंने रखा है सेम तरह का, ठीक है, वहां से दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, दोबारा से समझेंगे, ठीक है, तो वेट कर लो थोड़ा सा, जिसको पिछली वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, एक और प्रॉब्लम मैंने ऐसी ही रखी है सेम तरह की, एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है, फिर पिछली वाली को भी एक बार करके देखना। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, बाय फैक्टराइजेशन दो मेथड्स हो सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ये सब ने 9th क्लास में पढ़ा है कि नहीं। दो तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, एक मेथड है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, या उसको बाय फैक्टराइजेशन बोला जाता है, और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगी, चुटकियों में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है, पर आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन से सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कल बताऊंगी, उससे कल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलो आ जाओ, रीड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. चलो चलो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं. शाबाश मेरे बच्चों. क्या कहता है ये प्रॉब्लम देखो. प्रॉब्लम सेज, कहता है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. शिफाली बच्चा है एक हमारा, ठीक है, उसके उसके मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में मार्क्स मिला के कितने आए, 30 मार्क्स आए. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कहते हैं अगर उसके 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा आ जाते और 3 नंबर इंग्लिश में कम हो जाते तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो जो उन दोनों मार्क्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो वो कितना आता, 210 आता. आपको फाइंड करना है कि उसके मार्क्स कितने, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं शिफाली के और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए. स्टेटमेंट समझ में आई? स्टेटमेंट बच्चों आपको समझ में आई? तो मान लेते हैं कि शिफाली के, ऐसे कर सकते हो आप, लेट द शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी, आप ऐसे लिख सकते हो, लेट शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख रही हूँ है ना, इन मैथ्स बी एक्स. मान लो कि शिफाली के मैथ में कितने नंबर हैं, एक्स हैं, ठीक है. मैंने मान लिया कि शिफाली के मैथ में कितने मार्क्स हैं, एक्स मार्क्स हैं. अच्छा तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे शिफाली के, अगर बेटा शिफाली के मैथ्स में एक्स नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे शिफाली के, कैसे पता चलेगा. तो मान लो अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको वाई मान लो. तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के नंबर जुड़ के कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं. तो मतलब ऐसा लिख सकते हो तुम x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 ना. तो वन वेरिएबल इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैथ में x मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे, 30 में से x माइनस कर दो. तो ये उसके बचे कुचे इंग्लिश के नंबर हैं, ठीक है. y लिखने के बजाय हम सिंगल वेरिएबल में पूरे इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. हम अवॉइड करेंगे टू वेरिएबल्स को यूज़ करना, ठीक है. टू वेरिएबल्स को यूज़ कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट हम यूज़ क्या करेंगे, हम यही यूज़ करेंगे कि मैम मान लेते हैं कि मैथ में एक्स नंबर है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे शिफाली के, 30 माइनस एक्स, ठीक है. तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे शिफाली के, 30 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों मार्क्स को मिला के कितने मार्क्स बन रहे हैं, 30 नंबर बन रहे हैं. तो एक्स प्लस 30 माइनस एक्स 30 तो बन रहे हैं. समझ आया अनूप, क्या पॉइंट नहीं समझ आया बच्चे. देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे मैथ्स में 20 मार्क्स हैं और मेरे टोटल मार्क्स 30 हैं और मेरे टोटल मार्क्स 50 हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे, ऑब्वियसली मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे. अगर मैथ्स में मेरे 20 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे बच्चे, 50 में से 20 ही तो माइनस करूँगी. तो वही मैंने किया, अगर मैथ्स में मान लो कि एक्स नंबर है तो इंग्लिश में कितने आएंगे, टोटल मार्क्स में से मैथ्स के मार्क्स को माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 30 दे रखा है. इज इट क्लियर नाउ, ठीक है. चलो अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो अगला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अब नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है, कहता हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कहता अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आ जाते. मतलब अब तुम लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आ जाते तो x प्लस 2 हो गए नंबर उसके अब मैथ्स में, और उसके इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दो. इंग्लिश में 3 नंबर कम का मतलब इंग्लिश में उसके 30 माइनस एक्स थे उसमें से 3 नंबर कम कर दो, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स किसके बराबर आ रहा है, 210 के बराबर आ रहा है. बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन बच्चों. तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210. जल्दी से बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट से, क्या बनेगी. मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 2x और ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस 54 और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 210. तो क्या क्या इक्वेशन बनी, किसी की नहीं बनी अभी तक. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट.
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और इसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या आया, माइनस करके बताओ ना क्या आया, 156, माइनस 156 आएगा इक्वल्स टू जीरो। अब क्योंकि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव हो, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू जीरो। क्या ये इक्वेशन बनी सबकी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू जीरो। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन कम्प्लीटली। तो लेट स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, 156 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम 25 हो और प्रोडक्ट 156 हो। तो कौन से दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, कौन से दो फैक्टर्स में स्प्लिट किया जाएगा, 12 और 13 में स्प्लिट कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं ना, 12 और 13 में स्प्लिट कर सकते हैं इनको, बिल्कुल सही। चलो 12 और 13 में स्प्लिट कर दें, तो मैंने इसको कर दिया माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन लेते हैं x, तो अंदर बचा x माइनस 12, इसमें से कॉमन लिया माइनस 13, अंदर बचा x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब एक x की वैल्यू 12 आएगी और एक x की वैल्यू बेटा 13 आएगी। x क्या था, मैथ्स में नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही साइमल्टेनियसली y की वैल्यू निकालो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लास्ट में जाके बेटा हम क्या लिखेंगे, लास्ट में जाके वी विल राइट कि इफ x की वैल्यू अगर 12 है तो y, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे हमारे पास, अगर इफ मार्क्स, अगर हम कितने मार्क्स ले रहे हैं, इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स हम ले रहे हैं 12, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे बेटा, तो इंग्लिश में मार्क्स आएंगे 30 माइनस 12, ठीक है, कितने आ गए, 18 आ गए, है ना। अच्छा, अगर हम, अगर मैथ्स में मार्क्स लेते हैं, अगर हम मार्क्स ले रहे हैं, इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर हम मार्क्स इन मैथमेटिक्स ले रहे हैं 13, तो इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे, 30 में से 13 को माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे बेटा, 17 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल केसेस बनेंगे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ x आया, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ x आया। आगे चले, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब देख लो, फिर से वही स्पीड वाला प्रॉब्लम आ गया, अब इसको फिर से समझेंगे। प्रियांशु, वी आर स्टडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेटा टाइटल में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन है और हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। चलो, हाय हरिपाल, हेलो शिवम, ये वाला क्वेश्चन करो, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया, जल्दी से इसको सॉल्व करो जरा। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एपी स्टार्ट कर देंगे बेटा, दो तीन दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर एपी खत्म कर देंगे, एपी को भी दो तीन सेशंस ही लगेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को रीड करते हैं दोबारा से, अब जिनको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ आया इसको ध्यान से समझना। अब फिर से क्या हो रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, एक ट्रेन जो है वो ए से बी पॉइंट में जा रही है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। उसने ये नहीं बताया कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, मान लो कि स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आर है, मान सकते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर, ठीक है। डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना है, 360 किलोमीटर। चलो आगे पढ़ते हैं,
कहता, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अब वो क्या कह रहा है, कहता अगर ट्रेन की स्पीड जो है, अगर ट्रेन की स्पीड बोले तो, अब मैं न्यू स्पीड की बात कर रही हूँ, कहता कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है मैं 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूँ, मतलब स्पीड बेटा मैंने इंक्रीज कर दी, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. पहले स्पीड ट्रेन की एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी. अब मुझे सोच के बताओ कि उसको अब ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड कम करी थी, इस वाले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा दी. अब मुझे ये सोच के बताओ कि जब मैंने स्पीड बढ़ा दी ट्रेन की, तो वो जल्दी जल्दी नहीं पहुंच जाएगी, कम टाइम में पहुंच जाएगी, तो उसको लेस टाइम लगेगा. ठीक है, पहले अगर उसको टी टाइम लग रहा था, मतलब पहले अगर ट्रेन को टी टाइम लग रहा था, अब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, अब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो न्यू टाइम कितना लगेगा बेटा उसको, 1 आवर लेस बोल रहा है. कहता है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो अब उसको कितना टाइम लग रहा है, टी माइनस 1 टाइम लग रहा है. समझ रहे हो, लेस टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है. ठीक है, अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा. अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ, मैंने क्या बताया था, पिछली वाली इक्वेशन भी हमने कैसे फॉर्म करी थी, हमने कैसे फॉर्म करी थी, टाइम का डिफरेंस ले लिया था. तो मतलब देखो, 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है, कितने घंटे का फर्क पड़ रहा है, 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है. तो मुझे ये बताओ किस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, डिफरेंस इन टाइम कितना है बेटा, डिफरेंस इन टाइम समझ रहे हो ना, दोनों ट्रेन के टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है. इसका मतलब अगर मैं इस वाले केस को, अगर मैं इसको T1 बोल दूं, अगर मैं इस वाले टाइम को T1 बोल दूं और इस वाले टाइम को T2 बोल दूं, तो मुझे बताओ, तो मुझे क्या लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, T1 माइनस T2 किसके बराबर है, 1 आवर के बराबर है, क्योंकि दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 आवर. ठीक है, तो हमेशा जब भी हम माइनस करते हैं बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, जब भी हम माइनस करते हैं, हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी ध्यान में रखना. टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम किसके बराबर होता है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है. ठीक है, तो हम T1 कैसे निकालेंगे, T1 केस के लिए स्पीड डिस्टेंस कितना था भाई, डिस्टेंस तो 360 ही था. टाइम कितना ले रहा था, वो टी टाइम ले रहा था. ठीक है, माइनस T2 के लिए डिस्टेंस कितना था बेटा, डिस्टेंस इसके लिए भी 360 था. अरे मैं गलत लिख रही हूँ, यहाँ पे नीचे स्पीड आता है, टाइम लिख रही हूँ, स्पीड आता है बेटा, स्पीड यहाँ पे एक्स आएगा. अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, इसके लिए भी 360 है, और स्पीड कितनी है इस केस में, एक्स प्लस 5 है. किसके बराबर होगा ये, 1 के बराबर होगा. हमें स्पीड के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी थी, तो स्पीड के फॉर्म में ऐसे इक्वेशन बनेगी. अब इसको सॉल्व करेंगे, समझ आया. हाँ बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको NTSC में भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं. किसी को कोई डाउट, मैम T1 कैसे बड़ा है, असफिया ट्रेन पहले एक्स स्पीड से जा रही थी बच्चे, ठीक है, ट्रेन पहले एक्स स्पीड से जा रही थी, ठीक है, तो उसको टी टाइम लग रहा था. ठीक है, उसके बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, तो उसको कम टाइम लगेगा ना, तो उसको कम टाइम लगेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ट्रेन एक्स की स्पीड से जा रही थी, तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि अब स्पीड बढ़ा दूंगी तो अब कम टाइम लगेगा ना, तो ये वाला जो टाइम है ये कम है, ये वाला टाइम कम लग रहा है उसको, ये वाला टाइम बेटा ज्यादा है. ठीक है, तो बड़े में से छोटा हमेशा माइनस होता है. समझ आ गया अस्फिया. मैम ये 1 के इक्वल कैसे, श्री बेटा वो बोल रहा है कि ना, कि जब स्पीड ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे, जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी वो. तो दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कैसे आ रहा है, मतलब मान लो कि मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ, मैं गाड़ी में जा रही हूँ और मैं डेस्टिनेशन पे 5 बजे पहुंच गई, और मेरा एक दोस्त है वो एक और गाड़ी चला रहा है, वो तेज तेजी से जा रहा है,
वो 5 बजे की बजाय 4 बजे पहुंच गया घर पे, है ना। तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आया, 1 घंटे का फर्क आया, बस वो डिफरेंस लिखा है मैंने यहाँ पे। समझ आया? समझ आया बेटा? तो हमेशा ध्यान में रखते हैं, जब भी इक्वेशन बनाते हैं ना, जब भी इक्वेशन बनाते हैं, जो निकालना होता है उसकी टर्म्स में हमेशा इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, और एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है उसकी टर्म्स में इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू क्या था, डिस्टेंस। तो मतलब जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसमें डिस्टेंस होना चाहिए और उसमें स्पीड का जिक्र होना चाहिए। समझ आया? एक्स मुझे निकालना था, डिस्टेंस मुझे गिवन था, ठीक है। तो मैंने टाइम के, क्योंकि टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पती ना, पता ना मुझे, तो टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बन गई। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी टाइम है, राइट हैंड साइड में भी टाइम है। समझ आया कि नहीं आया समझ बच्चों? एक बार ठंडे दिमाग से आंखें क्लोज करके पूरी सिचुएशन को विजुलाइज करके समझना, ठीक है। और जो जो समझ में आ रहा है, जो जो चीज़ें समझ पा रहे हो, उसको नोटबुक में नोट करना, फिर पल्ले पड़ेगी ये वाली प्रॉब्लम ढंग से, ठीक है। करके देखना एक बार करके देखना इसको, ठीक है आदित्य। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट फर्दर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। क्या करोगे? वही करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम ले लें? चलो एलसीएम लेते हैं। हमने यहां पे ले लिया एलसीएम, तो नीचे क्या बना? नीचे बन गया एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ऊपर क्या होता है? ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 360 को बेटा मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि बार बार 360 ना लिखना पड़े। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 इधर चला जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, फिर x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर 1 है। तो हमारे पास क्या बन गया? x और x कैंसिल हो गया इसके अंदर, तो ये बन गया 360, ये बन गया 360 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया। तो ये बन गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करो जल्दी से। कैसे स्प्लिट करेंगे बताओ मुझे, कैसे स्प्लिट करेंगे इसको बताओ। इसका बन जाएगा 6 3 18, और ये बन जाएगा 25 4 25 4, सो ये बन जाएगा हमारा, और इसको भी 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 6 30। तो ये बेटा हाँ 40 और 45 में स्प्लिट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे 5 चाहिए ना डिफरेंस, सम या डिफरेंस 5 चाहिए। तो ये किस में स्प्लिट होएगा? 40 और 45 में स्प्लिट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इधर से अगर आप कुछ कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास? x प्लस 45। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस 40 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 45। x, एक मिनट रुको, हाँ तो ये क्या बन गया आपके पास? ये आपके पास बन गया x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू देखो, स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो माइनस 45 जो है आप रिजेक्ट कर दोगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे, तो x विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, एक बार दोबारा से ट्रेन वाली सिचुएशन को विजुलाइज करके एक एक चीज़ लिख के, कि जब वो x स्पीड से जा रहा है तो उसको इतना टाइम लगेगा, जब वो x प्लस 5 स्पीड से जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा, बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, वो उसने दे रखा है कि 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है, वहां से तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। बेटा स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती सौम्या, इसलिए हमने -45 को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। तो मतलब दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है हमारे पास, कह रहा है 180 है। कहता द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times, छोटा जिसको माइनस कर रहे हैं वो छोटा होगा, मतलब y छोटा होगा। तो कहता जो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है, मतलब y स्क्वायर है, इज 8 times, मतलब 8 गुना द लार्जर नंबर है, मतलब 8 times x होगा। तो यहाँ से हमारे पास तो डायरेक्ट इक्वेशन ही बन गई, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये तो 18 tens of 180 पे ही स्प्लिट हो गया, है ना, ये तो 18 tens of 180 पे ही स्प्लिट हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 18, इधर से x का वैल्यू क्या आ गया बेटे, माइनस 10। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब आपको फाइंड, आपको दो नंबर्स फाइंड करने थे। अब कैसे आप फाइंड करोगे, अब ढूंढ लो दो नंबर। अगर x इक्वल्स टू 18 है, x इक्वल्स टू 18 का क्या करोगे, x को ऊपर पुट करो, तो वहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 18 एट्स 144। तो तुम्हारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना एक चीज आई थिंक प्रॉब्लमेटिक है, x जो है ना वो क्या आएगा बच्चों, y का वैल्यू मुझे बताओ पहले, y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 12 आ रहा है y का वैल्यू, तुम्हारे पास x x क्या माइनस 10 हो सकता है, मुझे पहले इसको रिजेक्ट करने का रीजन बताएगा कोई बच्चा। यहां पे दो वैल्यूज आई x की, क्या x माइनस 10 हो सकता है, यस और नो। अगर x माइनस 10 होगा तो यहां पे जब तुम x की वैल्यू पुट करोगे तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 80 बन जाएगा। सोच के देखो, बिना सोचे आंसर नहीं देना है बेटा, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब वैसे भी जब तुम x को यहाँ पे पुट करोगे तो y स्क्वायर इज माइनस 80। बेटा कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये x का वैल्यू तुम रिजेक्ट कर दोगे। तुमने सिर्फ x का वैल्यू 18 डालना है, यहाँ पे 18 डालोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 8 into 18, तो y स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 144। तो y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। ठीक है, समझ आया, ठीक है, वेरी गुड। तो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन, और ये बेटा मैंने तुम्हें दे दिया है होमवर्क, तो इसको तुमने सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ऐसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में भी आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी, और अगली क्लास में हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो कल भी आपका 5 बजे क्लास होगा, तो क्लास को मिस मत करना। 3 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करके साइड पे कर देते हैं, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, सो कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास भी 5 बजे होगी, टुमारो एट 5 PM यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, और आज शाम को आपकी स्पेशल क्लास भी है,
आज शाम को आपकी स्पेशल क्लास भी है जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और टाइमिंग्स है 7 बजे, 7 PM। ठीक है, तो आ जाना। चलिए, सो दैट वॉज ऑल। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप अर्श कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं? तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगा बेटा, वीकली टेस्ट होते हैं, आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, ठीक है, सारे कंटेंट का, रिकॉर्डेड सेशंस का, लाइव सेशंस का, बैच कोर्सेज रहते हैं बकायदा, डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं बेटा, हर 3 सेशन के बाद एक ज़रूरी, एक कंपलसरी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पिछले 3 सेशन में जो भी डाउट है आप जितने मर्जी पूछ सकते हो। उसके बाद एक रेज अ हैंड फीचर होता है जिसमें आप एजुकेटर से कॉल पे बात कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स के साथ साथ अगर आपको एडिशनल फीचर्स और चाहिए, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटर चाहिए तो हर पॉइंट पे आपको गाइड करता रहे, या फिर आपको कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान चाहिए, और उसके बाद बाई वीकली रिव्यूज़ भी चाहिए कि आप प्लान के अकॉर्डिंगली कैसे काम कर रहे हो, और आपको जो है एक्स्ट्रा कस्टमाइज्ड नोट्स चाहिए, या फिर प्रैक्टिस पेपर और चाहिए अच्छे से सवाल लगाने के लिए, या आपको स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स चाहिए, ठीक है, तो ये सारे के सारे एडिशनल फीचर्स जो हैं आपको आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखो, तो आपको पड़ेगा 1240 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट लगा के इतने में पड़ता है। और अगर आप बेटा कॉम्बैट, जो मैंने अभी बोला था ना, अगर आपको 10% डिस्काउंट कम लग रहा है तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करो, 70% डिस्काउंट जीत सकते हो बेटा। सिंपल सा टेस्ट है, 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स का टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, संडे को 11 बजे लिया जा रहा है, उसके थ्रू आओ और तुम्हें ज़्यादा सारी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो मिनिमल से अमाउंट में तुम पढ़ सकते हो, मतलब 300-400 रुपये पर मंथ में तुम आराम से सारा सिलेबस कवर कर सकते हो, क्लास 10th भी कवर कर सकते हो, क्लास 11th भी कवर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आइकॉनिक की बात करें तो एक आइकॉनिक का अगर आप देखो 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको 2381 रुपीज़ में पड़ रहा है। अब ये कॉम्बैट की मैं बात करी थी, इट इज़ अ फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, 12 जून को हो रहा है, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ द कोड अर्श, और इसका जो एनरोलमेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बिना ट्राइंगल्स पढ़े भी आपको समझ में आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अगली बात ये है कि बेटा ये जो टेस्ट है ना, तो इसमें ये हिंदी में भी कंडक्ट कराया जा रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, और ये सारा का सारा स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। 70% ऑफ मिल रहा है अगर आपका फर्स्ट 10 में रैंक है, अगर आपका 50 तक रैंक आता है तो 50% ऑफ मिल रहा है, अगर आपका 100 तक रैंक आता है तो आपको 25% ऑफ मिल रहा है, और अगर 200 तक रैंक लेके आते हो तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है। ठीक है जी, ये क्लास 9th का ही इसमें भी है हिंदी में, ठीक है, और ये नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप लोगों के लिए। क्लास 9th का एक और नया बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको फुल सिलेबस कराया जा रहा है, इसी क्लास 10th का भी नया बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको फुल सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो एक जो बच्चे क्लास 11th में शिफ्ट हुए हैं, या फिर जो नीट UG की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है बेटा, आपको 40% अप टू 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। ठीक है, तो आपको नीट UG के साथ साथ CBSE प्लस का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 40% डिस्काउंट में। देखो, प्लस का कॉम्बो जो है आपको 58,000 में पड़ रहा है, ठीक है, 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है जिसमें आपको नीट UG की भी प्रेपरेशन कराई जाएगी और आपको CBSE एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके और भी डिटेल्स जान सकते हैं। ऐसे ही नीट 2024 में जिसने नीट का पेपर देना है उनके लिए इनविंसिबल बैच लॉन्च होने वाला है 10 जून से, ठीक है, और प्रारंभ बैच लॉन्च होने वाला है 10 जून से, तो इनमें एनरोल करने के लिए प्लीज़ कॉल द नंबर दैट इज़ गिवन हेयर, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन कम्युनिटी, कम्युनिटी पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालती रहती हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री है बच्चे, और स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती हैं, तो जैसे आज मैं आपकी 7 बजे क्लास ले रही हूँ, तो अभी 1 घंटे के बाद स्पेशल क्लास पे मिलेंगे, राइट, तो कम्युनिटी पे लिंक शेयर कर दूंगी, चेक कर लेना। एंड बग्स बाउंटी, अगर आपको कोई भी इनएप्रोप्रिएट कॉन्टेंट दिखता है यूट्यूब के ऊपर तो आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड कमिंग लाइव हियर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म हो जाए, AP खत्म हो जाए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा दूंगी, राइट,
और अगर आपको जल्दी है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की तो अभी अभी मैं वैसे कल ही ख़त्म करा के आती हूँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल क्लासेस के ऊपर, फ्री क्लासेस के ऊपर, तो उनका भी चेक रखा करो, फ्री क्लासेस का भी चेक रखा करो, ठीक है? तो अभी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है फ्री क्लासेस के ऊपर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कराऊंगी, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप फ्री क्लासेस देखते रहा करो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 5 बजे, ठीक है? सी यू टुमारो एट 5 PM हेयर ऑन दिस चैनल अन अकेडमी क्लास 9th एंड 10th। बाय।